अब हमने पिवट टेबल का जो लेआउट हमें रखा हुआ है वो रखा हुआ है कोलैप्स और एक्सपेंड। इसका इससे बेनिफिट क्या होता है, यानी कि सब टोटल फॉर्मेट में है हमारा पिवट, तो इसमें क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी अगर लिस्ट ऑफ डेटा है तो इसको हैंडल करना आसान होता है, तो इसका यूज कर सकते हैं कि मुझे पता करना है कि मनी का टोटल क्या है, तो जस्ट क्लिक किया एंड हम मनी का टोटल पता कर लेते हैं। बट एक प्रॉब्लम भी है कि हर बार हमें रिपोर्ट एज ए पिवट नहीं रखना होता है, हम लोग कभी कभी इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद किसी और लोकेशन में पेस्ट वैल्यू करते हैं ताकि इस पर और कैलकुलेशन कर सकें। अब ऐसा करने पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि पिवट के अंदर में हमारा नेम और हमारा सिटी एक ही कॉलम में है। अब एक ही कॉलम में होने के कारण यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि कौन सा नेम है और कौन सा सिटी है। तो उस केस में मुझे चाहिए कि यहाँ अलग अलग सेल के अंदर कि पहले में नेम आए पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में सिटी आए और तीसरे कॉलम में क्वांटिटी आए। तो इसके लिए आपको अपने पिवट का लेआउट चेंज करना होगा, वो आपको डिजाइन के अंदर में रिपोर्ट लेआउट होता है। तो इसमें दो होते हैं, सो आउटलाइन फॉर्म एंड सो टेबुलर फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब इस तरह के जो फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ देखिए टोटल भी दिख रहा है, कविता टोटल, मनी टोटल, ये सब टोटल कहलाता है। अगर इसको रखना है तो रखिए, अदरवाइज यहाँ से राइट क्लिक करके अनचेक कर दीजिए, आपका सब टोटल चला जाएगा। ओके?